दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू चाहते हैं कि हमें एक बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज मिले और इस गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ाई करके एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पाए, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांचेस कौन सी है जिसको आप इस बार अगर इस ट्रेड से एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर इन फ्यूचर आपको जॉब करनी होगी तो गवर्नमेंट जॉब हमें कब ज्यादा मिल जाएगी, कब हमें प्राइवेट में तुरंत जॉब मिल सकती है, और किस किस ट्रेड की ज्यादा डिमांडिंग है, स्कोप किसकी है ना। क्योंकि हर बार हम लोग आपकी पढ़ाई करवाते हैं, हमारे यहाँ से हजारों स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में भी गए हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम पढ़ाई करवाते हैं तो लास्ट के समय में जब काउंसलिंग होती है तो उस समय आपको बता दिया करते हैं कि ये ब्रांच बेस्ट है, इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन इन चीजों में कहीं कहीं कोई चीज मिस्टेक त्रुटि भी हो जाती है कि लास्ट में एक स्टूडेंट को पता नहीं रहता था कि सर हमें एक्चुअल में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो किस स्ट्रीट से करें, तो उन चीजों को पहले क्लियर कर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है और आपको एक एक चीज मालूम होनी चाहिए कि हमें इस स्ट्रीट के लिए तैयारी करनी है अपने टारगेट के अनुसार। तो आपको पता है पॉलिटेक्निक में जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, है ना। अब स्कोप की बात करें तो जैसे स्कोप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर किसका स्कोप ज्यादा है जिसमें जल्दी जॉब मिल जाएगी, तो इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर किसी भी ट्रेड में, तो कहीं पे भी अगर सपोज दैट स्कोप का मतलब इससे एग्जाम्पल से समझिए, अगर 100 सीट आई, गवर्नमेंट ने निकाला कि हमें 100 सीट चाहिए, ठीक है, तो 100 सीट में जॉब मिलेंगी, सिविल का भी स्टूडेंट उसमें होगा, इलेक्ट्रिकल का भी, मैकेनिकल का भी होगा और कंप्यूटर साइंस का भी होगा। तो ज्यादातर अगर जो गवर्नमेंट जॉब जो निकलती, मान लो 100 सीट का निकल गया, तो सिविल का जिसमें से जॉब आएगा तो लगभग लगभग 60 और 70% सिविल का ज्यादा जॉब रहता है। मतलब कि इस 100 सरकारी सीट में 60 लड़के कहां से जाएंगे या लड़कियां, सिविल ट्रेड से ये अपने जॉब लेंगे, प्लस इलेक्ट्रिकल से भी कुछ बच्चे जाएंगे, तो कुछ यहां से कवर हो गए, तो 100 में 60 और 20 लगभग लगभग 80 हो गए, और मैकेनिकल के भी 10-15 बच्चे जाएंगे, है ना, कुछ यहां से भी जाएंगे और कुछ कंप्यूटर साइंस से भी जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के लगभग ना के बराबर मान के चलिए। तो स्कोप का मतलब ये हुआ कि जिस ब्रांच में ज्यादा वैकेंसीज आती है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करते हैं तो आपकी जॉब मिलने की चांसेस जल्दी रहती हैं। ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको आइडिया लग चुका होगा जिस ब्रांच की डिमांड ज्यादा है, जिसमें डिमांड का मतलब जिसमें ज्यादा नौकरी निकलती है हर साल, SSC JEE भर रहे होंगे, या फिर जैसे आपको इलेक्ट्रिकल से किया है तो JEE बनेगा, अलग अलग ट्रेड में आप अपनी पढ़ाई करके एक अच्छा टेक्निकल जॉब पा सकते हैं। आपको पता है पॉलिटेक्निक के थ्रू अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो एवरेज आप 40,000 से एक्स्ट्रा ही कमाना स्टार्ट करेंगे, 40 से 50,000 ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बट आपको कंपटीशंस क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको इतना आइडिया लगा। और दूसरी चीज समझिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि मैं बता दूं इन दोनों ट्रेड में, गवर्नमेंट जॉब में सिविल और इलेक्ट्रिकल में काफी ज्यादा सीट आती हैं। अगर आप मैकेनिकल के हैं तब तो आपको सीट आएंगी, लेकिन बहुत कम गवर्नमेंट में आएंगी। आप चाहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट में जॉब चाहिए तब तो आप सिविल या इलेक्ट्रिकल में ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और नहीं कि सर हमें तुरंत जॉब चाहिए कहीं पे भी हम कमा लेंगे, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल ट्रेड में प्राइवेट में ज्यादा जॉब है कंपेयर टू गवर्नमेंट और कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मैकेनिकल की गवर्नमेंट सीट कम आती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि हमें किस ट्रेड से या किस ट्रेड से आप तैयारी करें कि आपके लिए बेहतर होगा, आपके फैमिली कंडीशन के अनुसार, कि आपको तुरंत जॉब चाहिए, क्योंकि इन सब में तो आपको प्राइवेट जॉब ज्यादा मिलते हैं और प्राइवेट में स्टार्टिंग सैलरी कम होती है। जैसे इसमें स्टार्टिंग सैलरी अगर सिविल इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 40,000 से ऊपर हो रहा है, बट प्राइवेट में आप जाओगे तो 15,000, 20,000, 10,000 के ऊपर ही आपको मिलेंगे, लेकिन इन कंपनियों में इन फ्यूचर आप 2 साल 4 साल अगर रह गए तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, 1-1 लाख के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट कमा भी रहे हैं हमारे यहाँ से जो कि प्राइवेट सेक्टर में है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, स्टार्टिंग में ज्यादा सैलरी मिल जाएगी और बहुत धीरे धीरे आपके पूरे, मतलब कि जब एज आपकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी जब, है ना,
50 साल 60 साल के हो जाओगे तब जाके आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, बट स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा मिलती है, आपको आइडिया लग चुका होगा। प्लस आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने एक स्पेशल पर्पज के अनुसार करेंगे, और आप किस ट्रेड से करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी आपको हमारे यहाँ से एकदम सुपर स्पेशल बैचेस में करवाए जा रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ्स वीडियोस ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें लगे हुए हैं, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। या फिर आप हमें व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको अगर हमारे बैच के साथ जुड़कर तैयारी करनी है, बहुत कम फीस है, 100-200 बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसमें आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्हें पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है और अगर आपको अच्छा ट्रेड चाहिए तो अच्छी सरकारी प्राइवेट या फिर अपने ट्रेड के अनुसार जिस भी ब्रांच में आप जाओगे उसके लिए तैयारी पहले से आपको टाइम रहते कर लेनी होगी। सरकारी कॉलेज की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए तो आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी जा रही हैं, आप चैनल पे बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, कोई उसका कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप किस रेट से गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।